आज है 9 अगस्त, आज जानेंगे आज से रिलेटेड करेंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन कब मनाया जा रहा है या कब मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त को। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। कब हुई था? 1942 में इसकी स्टार्ट हुई थी। और इसका नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी और महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? भारत में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगर हरियाणा की बात करें तो इसका राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और बात करें सीएम का, इसका सीएम हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर, इसका सीएम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक साल के लिए बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेश में 1 माह तक चलने वाला अभियान पानी माह शुरू किया गया है, वो कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वह कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कार्यकर्ता थे चमन लाल। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर इसकी राजधानी हो जाएगा। और सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत इसका सीएम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करें, चलिए इसके रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, BCCI ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? BCCI ने ओलंपिक्स में, जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 चल रहा था, उसमें कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने लाख रुपया देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 लाख रुपया। बी सी सी आई की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो 4 दिसंबर 1928 की इसकी स्थापना की गई थी BCCI की। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने परसेंट बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66%। दिल्ली की बात करें तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है। सीएम की बात करें अरविंद केजरीवाल यहाँ का करेंट का सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस केंद्र शासित प्रदेश वाटर शैली का वाटर बिल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केपी शर्मा ओली ऑप्शन नंबर सी
केपी शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू इसका राजधानी हो जाएगा नेपाल का। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूली शिक्षा के समग्र शिक्षा अभियान को कितने साल तक जारी रखने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, 5 सालों तक यह जारी रखने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, किस केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14, किसने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हम सफ़र की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईओसीएल। आईओसीएल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड LTD। ठीक है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? NEP की बात करें तो न्यू एजुकेशन प्रोग्राम, NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन प्रोग्राम। ये पहला राज्य लागू किया है वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य लागू करने वाला पहला राज्य बना है। कल का सवाल है, BRO ने कहाँ भारत में मोटर वाहन चलने योग्य सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सवाल है, किस राज्य के लभांशु शर्मा ने तीसरी दंगल कुश्ती प्रतियोगिता जीती है? इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।